यूक्रेन से घर वापस लौटने पर फैसल निजार ने कहा थैंक यू। खारकीव और कीव रहा मेन टारगेटेड जोन। भारतीय छात्रों को युद्ध के पहले दिन से ही सुरक्षित रहने के लिए मिलने लगे थे एम्बेसी से एडवाइजरी। आर्मी के स्पेशल विमान से पोलैंड से भारत पहुंचे भारतीय छात्र। पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर की सराहना। नमस्कार, यूएफटी लाइव के साथ मैं हूं प्रिया कौर। जिले के नगर पंचायत बढ़नी निवासी यूक्रेन के खारकीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र फैसल निसार ने सकुशल अपने वतन वापस लौटने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय एम्बेसी और भारत सरकार के सफल प्रयासों की देन से हम अपने घर लौट पाए हैं, जिसके लिए भारत सरकार की जितनी तारीफ की जाए तो कम है। बताते चले कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का दंश भारतीय छात्र बड़ी बेवशी में झेल रहे थे। इसी बीच भारतीय छात्रों को यूक्रेन से वापस लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को वापसी के लिए कमर कासी और छात्र भारत लौटे। यूक्रेन के खारकीव शहर में मेट्रो स्टेशन के बंकर में छिपे सिद्धार्थ नगर जिले के लाल व नगर पंचायत बढ़नी के वार्ड नंबर 5 निवासी फैजल निसार पुत्र निसार अहमद यूक्रेन में खारकीव यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस के छात्र हैं। बातचीत के दौरान फैजल निसार ने बताया कि बड़ी बेवसी में रातें कटी। यूक्रेन के खारकीव में युद्ध के दौरान इंडियन एम्बेसी द्वारा समय समय पर भारतीय छात्रों के लिए जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार हम सभी भारतीय छात्र यूक्रेन सीमा क्रॉस कर पोलैंड पहुंचे, जहां हम सभी भारतीय छात्रों को लेने के लिए जनरल वीके सिंह मौजूद रहे। पोलैंड से सेना के स्पेशल विमान से हम सभी भारतीय छात्र भारत पहुंचे, तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच में मेडिकल स्टूडेंट भारत का मेडिकल स्टूडेंट बढ़नी का लाल फैसल निसार, जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आज अपने घर वापस लौट आया। परिजनों ने राहत की सांस ली। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीतियों और कार्यों की जमकर सराहना की। यूएफटी लाइव न्यूज़ से चंद्रलाल। क्या नाम है भैया? फैसल सर। ये बताइए फैसल जी, यूक्रेन में किन हालातों का सामना आपको करना पड़ा? यूक्रेन में फर्स्ट डे से ही सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock जब से ही अटैक हुआ है खारकीव में और कीव जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे, तब से ही हम लोग जो है अपना जिस फ्लैट में रह रहे थे, जो भी स्टूडेंट जहाँ पे भी रह रहा था वहाँ से वो निकल चुका था अपनी सेफ्टी के लिए। जिसको बंकर में छुपने की जगह मिली वहाँ पे छुपे हुए थे, और जिनको अंडरग्राउंड मेट्रो के अंदर छुपने की जगह मिली वो वहाँ पे छुप रहे थे। तो हम तब से ही लगभग 1 मार्च तक हम लोग वहाँ पर छुपे रहे, और फिर 1 मार्च की सुबह जो है हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ इस तरीके से छुपना जो है काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की खारकीव और कीव के स्टूडेंट को जो है कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ये मेन टारगेटेड जोन था और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा रशिया का फोकस रहा है। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी जब 28 और 27 फेब को काफ़ी ज़्यादा एयर स्ट्राइक हुई है, तो वहाँ उस टाइम पे हमने सोच लिया कि यहाँ पे किसी हिसाब से यहाँ से निकला जाए। थोड़ा सा रिस्क था क्योंकि हम जहाँ जाने की सोच रहे थे लवीव, और लवीव से फिर पोलैंड बॉर्डर जाते जहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हमको बुलाया था कि आप यहाँ तक किसी तरीके से आइए और यहाँ से फिर जो है हम आपको इवेकुएट कर लेंगे। तो हमको पोलैंड जाना था और लवीव के रास्ते से जाना था, लवीव पहुँचना था, और रास्ते में जो है कीव पड़ता है, जो कि हम आप यहाँ से रोकेंगे आपको कि जब युद्ध छिड़ा उसके कितने दिनों के बाद जो है आपको इंडियन एम्बेसी से सहायता मिली? इंडियन एम्बेसी ने फर्स्ट डे ही जो है हमको एडवाइजरी जारी करी पहले कि आपको जो है आपको सेफ रहना है, आपको अंडरग्राउंड जाना है छुपने के लिए, सबसे पहला काम आप ये करिए और अपने साथ फूड और जो भी वाटर बॉटल जो भी चीज़ें हैं अपनी सहायता की वो रखिए और छुपे रहिए जब तक कि नेक्स्ट एडवाइजरी नहीं आती है। फिर इंडियन एम्बेसी ने 2 दिन बाद फिर हमको एडवाइजरी भेजी। उन्होंने कहा कि अभी जो है हम दूसरे सिटी के बच्चों का भी इवेकुएट कर रहे हैं, जो कि जो लवी में थे, जो वेस्ट बॉर्डर में थे, जहाँ पे कोई भी अभी ऐसी समस्या नहीं थी, जो रशिया, क्योंकि रशिया का मेन टारगेट अभी ईस्ट जोन में था जो कि खारकीव और कीव पड़ते हैं, सुमी और ये सब इलाके वहाँ पे हैं, तो ये मेन टारगेटेड था फर्स्ट, अभी भी वही चल रहा है। तो उन्होंने पहले लवीव और वेस्ट जोन के जो यूक्रेन के जो एरियाज हैं वहाँ के स्टूडेंट को इवेकुएट किया, और हमसे सेफ ही रहने के लिए उन्होंने 2 दिन बाद हमको सेफ रहने के लिए कहा। अब उन्होंने फर्स्ट 2 मार्च तक उन्होंने हमको सेफ ही रहने के लिए कहा। हम हर एडवाइजरी में खारकीव और कीव स्टूडेंट के लिए सिर्फ सेफ रहने का ही ऑर्डर था, लेकिन फिर जब ये हुआ कि कॉलेज वगैरह पे जब बम एयर स्ट्राइक हुई हमारे कॉलेज
यूक्रेन से भारत पहुंचे? काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे बिकॉज हमारे पास जो है फूड नहीं था और मार्केट में जो है फूड की सबसे ज़्यादा कमी होती है फर्स्ट लॉट में ही, और उसके बाद फिर पानी जो है, जो कि पहले से यूक्रेन में हम लोग पानी जो है खरीदते हैं, खरीद वहाँ पे पीते हैं, तो फिर उसके लिए जो है खार्किव से निकलने के बाद आप जब बॉर्डर क्रॉस किए हैं तो उसके बाद कहाँ पहुँचे आप? खार्किव में जो जब हम बॉर्डर क्रॉस, पहले हम लवीव गए थे, लवीव से फिर हमने बस बुक करी है, अब बस से फिर हम पोलैंड गए, पोलैंड बॉर्डर पे गए, वहाँ पे फिर पोलैंड बॉर्डर पे हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आई क्योंकि जो यूक्रेन और पोलैंड जो बॉर्डर है वहाँ पे हमको प्रायोरिटी नहीं दी गई, हमको निकलने नहीं दिया जा रहा था। 12 घंटे तक हमको -10 डिग्री पे हमको खड़ा रखा गया, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी। इंडियन एम्बेसी को हमने फोन भी किया और हम सारे लोगों ने जो है उनको उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी पोलैंड में हैं लेकिन पोलैंड बॉर्डर पे, तो वो यूक्रेन बॉर्डर पे नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरीके से पोलैंड बॉर्डर आइए, तो यहाँ से जो है सारी जो जिम्मेदारी है वो हम आपको ले लेंगे। लेकिन यूक्रेनियन जो थे, जो यूक्रेनियन जो बॉर्डर था जो कि पोलैंड के साथ था, तो उधर जो है हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिली और हमको 12 घंटा -10 डिग्री टेम्परेचर हमको खड़ा रहना पड़ा। वहाँ पे तीन लड़कियाँ भी बेहोश हो चुकी थी ऑलरेडी और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन एंड ऑफ द डे हम पार कर करे 12 घंटे बाद ही हमने पार किया। और फिर बॉर्डर पे फिर पोलैंड जब हम एंटर हुए तो वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने हमको लिया और हमको अपने थ्रू वो हमको लेके गए साथ पोलैंड से जो है इंडियन एम्बेसी आप लोगों को लिया। जी, पोलैंड से इंडियन एम्बेसी ने हमको लिया और फिर हमको जो है जहाँ पे भी उनका भारत के कौन से मंत्री वहाँ पहुंचे हुए थे? जनरल वीके सिंह आए थे हमको लेने के लिए और जनरल वीके सिंह जो है हमको मिले थे लास्ट डे जब हमारा 4 मार्च की जो हमारी फ्लाइट थी, तो 5 मार्च की हमारी फ्लाइट थी, तो 5 मार्च को जो है जनरल वीके सिंह जो है मिलिट्री एयरफोर्स जो है चार्टर उसके साथ वो आए थे वहाँ पे। हाँ, तो सकुशल भारत वापस लौटने का श्रेय आप किसे दे रहे हैं? मैं इंडियन गवर्नमेंट को दूंगा और नरेंद्र मोदी जी को दूंगा क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर वो हाईली एक्शन नहीं लेते और अगर वो जो भी परेशानियां हैं, उन्होंने हाई अलर्ट जारी करा था हम लोग के लिए, उन्होंने मीटिंगें करी काफ़ी ज़्यादा और उन्होंने जल्द से जल्द फैसला लिया कि किसी भी तरीके से उनकी प्रायोरिटी थी कि इंडियन स्टूडेंट को जो है किसी भी हालात से कोई भी समझौता करना पड़े वो निकाल के लेके आए और उन्होंने ऐसे ही किया। और जो है मेरा खुद का मानना है कि अगर मोदी जी या फिर इंडियन गवर्नमेंट अगर वो एक्शन नहीं लेती तो शायद अभी हम लोग वहीं पे स्टक होते। आप नगर पंचायत बढ़नी के सभासद हैं वर्तमान में, आप जो है आपके जो है वार्ड का जो बालक यूक्रेन युद्ध ग्रस्त क्षेत्र में फंसा हुआ था सकुशल वापस लौट आया है, आप इसका श्रेय किसे दे रहे हैं? हम इसका श्रेय यहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय है आदरणीय दीपक मीणा जी और जो भारत प्रशासन के लोग हैं और यहाँ की जो सरकार है उनको मैं श्रेय दे रहा हूँ। यूएफटी लाइव के लिए चंदालाल की रिपोर्ट।